आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, जवाबी कार्रवाई में 6 पाक सैनिक और 3 आतंकवादी मारे गए। कैफे कॉफी डे के संस्थापक बीजी सिद्धार्थ का शव मिला, कर्जदाताओं के दबाव से थे परेशान। देश के साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से बरसात से परेशान, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, तिल्दा में मकान गिरे। जबलपुर में बदमाशों ने वकील को चाकू मारा, वकीलों ने की एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग। और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का बयान, ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर कहा कांग्रेस कर रही है डील और डायवर्ट की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना ने सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और 6 पाक सैनिक और 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में पुलवामा के को मास्टरमाइंड फयाज पंजू को भी मार गिराया गया है। ये अनंतनाग में 12 जून को CRPM के हमले में भी शामिल था। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी की, कई जगहों पर मोर्टार से हमला किया। अखनूर और सुंदरवनी में पाकिस्तान फौज ने अंधाधुंध गोले बरसाए। सीज फायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया और 6 पाक सैनिकों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान मंगलवार सुबह से ही सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान की फायरिंग बंद नहीं हो रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया। अखनूर और गुरेज में पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों के मारे जाने की सूचना है। वहीं घुसपैठ कर रहे 3 आतंकी भी मारे गए। इसके अलावा सीमा पर पाकिस्तान की 2 चौकियां तबाह होने के बाद कई सैनिक घायल भी बताए जा रहे हैं। दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाते हुए भारतीय सेना के नायक कृष्ण लाल भी शहीद हो गए हैं। देर रात तक उत्तरी कश्मीर के गुरेज, टंगडार, करनाहा और उड़ी में दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी रही। उसमें से 2 नागरिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने उत्तरी कश्मीर में भारतीय ठिकानों पर तोपखाने का भी इस्तेमाल किया है। कैफे कॉफी डे के संस्थापक बीजी सिद्धार्थ का शव बुधवार को नेत्रावती नदी के किनारे मिल गया है। सिद्धार्थ देश के सबसे बड़ी कॉफी चेन के संस्थापक और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा के दामाद भी थे। वे सोमवार रात से लापता थे। गायब होने से पहले सिद्धार्थ ने कथित तौर पर एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कर्जदाताओं का दबाव होने की वजह से ऐसा कदम उठाने की बात कही थी। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल ने बताया, हमें शव आज सुबह मिला है। बीजी सिद्धार्थ के लापता होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें खोजने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। उनके ड्राइवर और मछुआरे के बयान के बाद पुलिस की जांच पूरी तरह से नदी में खोजने पर केंद्रित हो गई थी। उन्हें खोजने के लिए NDRF, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड सहित अन्य अमला उनकी खोज के लिए पुल के नीचे नेत्रावती नदी में पानी में तलाश रहा था। सिद्धार्थ सोमवार दोपहर को बेंगलुरु से सकलेशपुर के लिए निकले थे, लेकिन अचानक उन्होंने नेत्रावती नदी के पुल पर ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई। ड्राइवर को आगे रुककर इंतजार करने को कहा था। इसके बाद वे वापस नहीं लौटे। देश के साथ पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश में भी जोरदार बरसात हो रही है। बारिश के कारण भोपाल, शाजापुर और खंडवा के निचले इलाकों में पानी भर गया है। इन इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगले 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। भोपाल के नए बसेरा और पुराने भोपाल के कई इलाकों में पानी भर गया। खंडवा में तो एक दिन में 8 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसके चलते नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है। खंडवा में बारिश के चलते आशापुर के गर्ल्स हॉस्टल में फंसी लड़कियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं जलस्तर बढ़ने के चलते आशापुर में कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है। कई लोगों ने
बचने के लिए मंदिर में शरण ली है। वहीं खंडवा और होशंगाबाद को जोड़ने वाले पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से हाईवे पर आवाजाही बंद है। खंडवा जिले में पिछले 24 घंटे में लगभग 200 mm बारिश हुई है। जिले में 1 जून से अब तक औसत बारिश का आंकड़ा 350 किलोमीटर है। पिछले वर्ष इस दौरान 370 mm बारिश हो चुकी थी। जिले की औसत बारिश 880 मिलीलीटर है। शाजापुर में बारिश आफत बन गई है। यहाँ कई गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कालापीपल में पानी ने खूब तबाही मचाई है। पानी कम होने के बाद विधायक कुणाल चौधरी ने इलाके का दौरा किया और साफ सफाई के काम में हाथ बटाया। हम लोग लगातार कल सुबह से लगे हुए हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आई उसमें जो भी बचाव कल कर सकते थे, रेस्क्यू ऑपरेशन से लेके सभी लोगों तो सुरक्षित पहुंचाने से लेके लोगों की मदद करने से लेके गांव में घरों में उनकी सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करने के बाद आज सुबह से हम सब लोग लगे हुए। हमने यहाँ पे नगर पालिका पंचायत का अमला, बाहर के कर्मचारियों, सभी लोगों को लगा के कि कैसे पहले हम इन गाँव को साफ करें, इनमें सफाई की व्यवस्था करें, डॉक्टर की व्यवस्था करी, यहाँ पे दवाइयाँ डलवाई ताकि कोई महामारी इस तरह से नहीं फैले कि कभी कई बार बाढ़ के बाद महामारियों की स्थिति आ जाती है। तो उस रूप में हमने हर जो व्यवस्था कर सकते हैं, सुबह से खाने के पैकेट सभी लोगों तक पहुंचाए, सुबह नाश्ते के लिए पोहे चाय की व्यवस्था, हर चीज जो व्यवस्थित व्यवस्था कर सकते थे उसकी एक कोशिश करी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे से सागर व जबलपुर संभाग के जिलों में अनेक स्थान पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इधर मौसम विभाग ने 27 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें से कुछ जिलों में अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसमें इंदौर, धार, अलीराजपुर, होशंगाबाद, सीहोर, गुना, उज्जैन, छिंदवाड़ा, हरदा, राजगढ़, नीमच, रतलाम, अशोकनगर, आगर, शोएपुर कला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, विदिशा, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर और सिवनी शामिल है। इधर भोपाल का मौसम खुशनुमा हो गया है। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 24 घंटे में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। बालोद बाजार के तिल्दा में लगातार बारिश से 3 मकान गिर गए। 4 महीने पहले ही करोड़ों की लागत से बने अंडरब्रिज में पानी भर गया। तेज बारिश से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का सबसे ज्यादा असर बस्तर में देखने को मिला। बस्तर के तमाम इलाकों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। मौसम विभाग ने बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में रेड अलर्ट जारी किया है। 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इधर रायगढ़, जांजगीर, बालौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे के मूसलाधार बारिश हुई। इसमें बस्तर संभाग जलमग्न है तो सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई है। यह राहत की बारिश है क्योंकि अभी तक किसान, सरकार और मौसम विभाग की निगाहें आसमान की ओर थी कि कब मेहरबानी होगी। सोमवार को हुई बारिश से बस्तर में इंद्रावती खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। पुराना पुल डूब गया है। बस्तर संभाग के जगदलपुर जिले में 24 घंटे में इतनी अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। बस्तर अंचल में बीते 36 घंटे से हो रही बारिश के कारण इंद्रावती समेत सभी प्रमुख नदी नाले उफान पर है। राजधानी से जगदलपुर का तो बीजापुर जिले का पड़ोसी राज्य तेलंगाना व महाराष्ट्र से संपर्क टूट गया है। बीजापुर जिले के दर्जनों गांवों का संपर्क जिला तथा ब्लॉक मुख्यालय से कट गया है। रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर परचनपाल के समीप रायकेरा नाले का पानी सड़क पर आ जाने के कारण आवागमन बंद है। बस्तर संभाग में बाढ़ के हालात के चलते संभाग आयुक्त अमृत खलको ने स्कूल कॉलेज में अवकाश घोषित कर दिया है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर कहा कि कांग्रेस डील और डायवर्ट की राजनीति कर रही है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में किए वादे नहीं निभा रही। किसान ऋण माफी और बेरोजगारी के मुद्दे से डायवर्ट किया जा रहा है। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस डील और डायवर्ट की राजनीति कर रही है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में किए गए वादे से मुकर रही है। कांग्रेस ई टेंडरिंग दिखाकर मुद्दों से भटक रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनके पूर्व निजी सचिव वीरेंद्र पांडे और निर्मल अवस्थी के बीच खाते बताना महत्वपूर्ण नहीं, किन कंपनी का पैसा आया ये महत्वपूर्ण है और कांग्रेस यह उजागर करे, इनकम टैक्स को कार्यवाही करने दे, लेकिन वे डायवर्ट कर रहे हैं। मंत्री के पास में इस ई टेंडरिंग से संबंधित कोई भी फाइल कभी भी नहीं आती है। अकेले मेरे पास नहीं है, ये जो 9 केस अलग अलग विभाग के हैं, इसमें पीएचई भी है, पीडब्ल्यूडी भी है। ये मैंने पहले कहा, सीएस और पीएस स्तर की समिति
इसको निर्णय करती है। ई टेंडरिंग जहां होती है उसका कोड अलग होता है, उसका वो एक अधिकारी पर ही कोड होता है, वो किसी पानी पिलाने वाले प्यून पर नहीं होता या किसी बाबू पर नहीं होता। जब मंत्री के बंगले पर ही फाइल नहीं आती, अगर आती है तो इनको बताना चाहिए, जैसे आज ये 20 खाते लीक करें वो भी लीक कर दो कि इस तारीख को इस दिनांक को इस पे इस पे इस पे गई थी ई टेंडरिंग की फाइल। ये नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास में सिर्फ डायवर्ट और डिले करने की टैक्टिक्स है, इनके पास में सिर्फ और सिर्फ चरित्र हत्या की राजनीति और डर्टी पॉलिटिक्स है। नरोत्तम ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ही ई टेंडरिंग घोटाला व्यापम डंपर सभी कांड की जांच शुरू हुई थी। नरोत्तम ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, राजनीति की आड़ में चरित्र हत्या की जा रही है। नरोत्तम ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और कलम उनके पास है, कार्रवाई करके दिखाए। लंबे समय से प्रदेश के वकील सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हर बार आश्वासन ही दिया। एक बार फिर एक अधिवक्ता पर चाकू से प्राण घातक हमला किया गया है। हमले के दौरान चाकू उनकी पीठ पर फंसा रह गया, जिसके बाद अधिवक्ता को उसी हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जबलपुर में एक बार फिर अधिवक्ता अरुण दीक्षित पर अज्ञात हमलावरों ने प्राणघातक हमला किया। घटना के बाद से अधिवक्ता अरुण की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर इतने बेखौफ है कि हमला करने के बाद वो आसानी से मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता अरुण दीक्षित जब अपने घर जा रहे थे तभी पचमठा मंदिर के पास बाइक सवार दो लोगों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। हमले के दौरान चाइना चाकू उनकी पीठ में फंस कर रह गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में वकील भी पहुंच गए। वकील पे हमला हुआ है, अरुण दीक्षित जी को मंदिर जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मुझे इस पते पे जाना है, और वो जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही हमलावर ने पीछे से उन पर हमला किया। तत्काल पुलिस एक्शन में आई, बर्मन फैमिली से इनका झगड़ा हुआ था जिसमें 2 FIR दर्ज हुए थे, और इसी फैमिली का जो राजा बर्मन है इसने अंकित त्रिपाठी के साथ मिलकर इनकी हत्या करने की योजना बनाई थी और चाकू से हमला भी किया गया था, जिसमें अंकित को RPF भुसावल की मदद से हमने अपनी कस्टडी में लिया है। अभी हम उसको पूछताछ के लिए लाएंगे और गिरफ्तारी करेंगे। बताया जा रहा है कि अरुण दीक्षित की किसी से पुरानी रंजिश थी, हालांकि अभी तक नाम सामने नहीं आया है। कई दिनों से प्रदेश के अधिवक्ता सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर 24 घंटे में हमलावर गिरफ्तार नहीं होते तो प्रदेश भर के अधिवक्ता उग्र आंदोलन करेंगे। वकीलों ने एक दिन के लिए जिला अदालत को बंद करने का निर्णय लिया है। इधर पुलिस ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। पालतू जानवरों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। गायों को तस्करों ने ट्रक के अंदर इस कदर ठूसकर भरा था कि इसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। ट्रक में भरी 17 गायों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला MP के गाडरवारा का है। मामला गाडरवारा थाना क्षेत्र का है, जहां बेलखेड़ी गांव के पास एक ट्रक अचानक गड्ढे में जा घुसा और फंस गया। फंसे ट्रक को देख ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ट्रक के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें सुन ग्रामीणों ने ट्रक का दरवाजा खोला तो ग्रामीणों के पैर तले जमीन खिसक गई। जब ट्रक के अंदर का मांजरा देखा तो इंसानियत मरी हुई नजर आई। ट्रक के अंदर पालतू जानवरों को बुरी तरह से भरा गया था, एक के ऊपर एक जानवरों को ठूसा गया था। गाँव वालों ने देर ना करते हुए स्थानीय पुलिस को फोन लगाया और जानवरों को छुड़वाया। जानकारी के अनुसार ट्रक में भरी गई 17 गायों की मौत हो गई है और बाकी गायों को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। सभी जानवर जो थे वो बैल थे, कृषि उपयोग वाले। ट्रक को रेस्क्यू किया गया और लाने के बाद यहाँ पर जो गौशाला है उसमें कुल 56 बैल थे, जिसमें से 17 ये पौधे थाना गाडावारा में ट्रक को जब्त करके और जो बैल है उनकी प्राथमिक ट्रीटमेंट देने के बाद उन्हें सुरक्षित गौशाला में रखा गया। ये पूरा मामला गौवंश तस्करी का है। गौवंश की खेप काटने के लिए कहीं ले जाई जा रही थी। बहरहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामला कायम कर लिया है। मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक भागने में सफल हो गया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तेज बारिश के चलते रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में पानी भर गया और लोगों का पार्सल किया जा रहा सामान खराब हो गया। अधिकारियों की लापरवाही के कारण पार्सल कार्यालय में शेड का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण बारिश का पानी कार्यालय के अंदर घुस गया। एक तरफ जहां भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भोपाल रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय के हालात ठीक नहीं है। तेज बारिश के कारण स्टेशन के पार्सल कार्यालय में बारिश का पानी घुस गया है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताया जा रहा है कि पार्सल कार्यालय में शेड लगाने के लिए DRM ऑफिस से परमिशन दी गई थी, लेकिन कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की अनदेखी के चलते शेड का निर्माण नहीं हो पाया। शेड का निर्माण न होने से पार्सल कार्यालय में रखा सामान बारिश के पानी से खराब हो रहा है। स्टेशन पर बारिश के पानी से सामान को बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में ग्राहक अपना सामान रेलवे प्रशासन के भरोसे छोड़ देता है और नतीजा इस तरह सामने आता है। जबलपुर होटल एसोसिएशन ने होटल बुक करने वाली कंपनी ओयो की शिकायत पुलिस से की है। होटल मालिकों का कहना है कि ओयो कस्टमर से पैसा वसूलने के बाद भी पिछले एक साल से होटल मालिकों का भुगतान नहीं कर रहा है। होटल एसोसिएशन ने ओयो के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी दिया। होटल एसोसिएशन जबलपुर के सदस्यों और होटल मालिकों ने ओयो कंपनी द्वारा होटल मालिकों के साथ की जा रही धोखाधड़ी को लेकर पुलिस कप्तान अमित सिंह को ज्ञापन सौंपा। होटल मालिकों ने बताया कि पिछले एक वर्ष से होटल मालिकों को उनका भुगतान नहीं मिल पाया है और न ही अनुबंध की शर्तों का पालन किया जा रहा है। इसके बाद अनौपचारिक पेनाल्टी एवं चार्जेस होटल मालिकों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। धोखाधड़ी सारे होटलों वालों के साथ कर रही है। वो बहुत ही गलत तरीके से नए नए लड़कों को रख कर अलग अलग हथकंडे अपनाकर अकाउंटिंग के नाम पर गलत एंट्रियां पास कर गलत बिल बनाकर हर होटल वालों से उनने अपने कई लाखों रुपए उनके अपने अकाउंटों में जमा कर लिए हैं, जो वो दे नहीं रहे हैं, जिसके चक्कर में सारे के सारे होटल वाले एकदम त्रस्त हैं। होटल मालिकों ने कहा कि ओयो कंपनी जबलपुर शहर और मध्य प्रदेश के साथ देश भर में होटल मालिकों के साथ कुछ शर्त के आधार पर अनुबंध कर ऑनलाइन बुकिंग देने का वादा करती है, जिसमें बाद में अपनी कंपनी द्वारा सीधे ऑनलाइन डिस्काउंट देकर कस्टमर से पैसे अपने खाते में डलवा लिया जाता है, लेकिन आज तक हमारा भुगतान नहीं मिल पाया है। पुलिस अधीक्षक ने पूरा मामला समझने के बाद मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। होटल संचालक ओ की शिकायत लेकर आए थे कि वो जो है, जो टर्म्स और कंडीशन में इनसे काम कर रही है, वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर रही। हम देखेंगे अगर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है तो कोर्ट में वकीलों के माध्यम से परिवाद लगाएं। अदरवाइज़ अगर किसी तरीके की धोखाधड़ी हो रही है तो उसको हम निश्चित तौर पर जाँच में लेकर संज्ञान में लेंगे, और अगर क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती है तो इसमें FIR ओ के खिलाफ दर्ज करेंगे। नरसिंहपुर में मिलावट खोरों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
कलेक्टर और एसपी ने कई ऑयल इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया और गड़बड़ियां पकड़ी। प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दीपक सक्सेना और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने नरसिंहपुर के करेली में स्थित ऑयल इंडस्ट्रीज के 4 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और कई गड़बड़ियों का खुलासा किया। गंभीर अनियमितता मिलने पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आशु इंडस्ट्रीज को सील करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संयुक्त टीम को विस्तृत जाँच पर प्रकरण दर्ज करने की हिदायत दी है। इसके बाद कलेक्टर एवं एसपी ने शुभम इंडस्ट्रीज, राहुल इंटरप्राइजेज एंड कंछेदी लाल विजय कुमार नेमा के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और पूछताछ की। जांच के लिए इन सभी प्रतिष्ठानों से ऑयल से सैंपल लिए गए। ऑयल इंडस्ट्रीज के सभी 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस एवं दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए भी कलेक्टर ने निर्देशित किया है। इन सभी प्रतिष्ठानों में बाहर से टैंकर द्वारा खाद्य तेल लाकर उसकी पैकेजिंग कर थोक में विक्रय किया जाता है। सुबह करीब 12:30-1 बजे के आसपास व्हाट्सएप पर मुझे शिकायत मिली थी कि आशु इंडस्ट्रीज़ में जो है सोया ऑयल में कुछ गड़बड़ की जा रही है। वहाँ पे बिना बैच का और एक्सपायरी डेट की बगैर एंट्री किए हुए जो है वहाँ से माल जारी हो रहा है मार्केट में। तो वहाँ मल्टी ब्रांडिंग की पैकेजिंग वहाँ पे मिली है, अलग अलग तरह के ब्रांड से एक ही तरह के ऑयल को, गंदगी बहुत है वहाँ। प्रथम दृष्टया वहाँ पर हमको काफ़ी सारी अनियमितताएँ देखने को मिल रही हैं, उसमें डिटेल इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आके इस तरह की 2 फैक्ट्रियाँ हैं और हैं जो कि ऑयल की पैकेजिंग करती हैं। इन दोनों फैक्ट्रीज़ को भी हमने देखा है। यहाँ पे जो ऑयल है उसके सैंपल लेंगे, इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे और यदि कोई अनियमितताएं होंगी तो कार्रवाई करेंगे। निरीक्षण के दौरान आशु इंडस्ट्रीज के परिसर में अत्यधिक गंदगी मिली, साथ ही साथ यहाँ के सभी कार्यों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। इस ऑयल इंडस्ट्रीज को गणपति ब्रांड के नाम से आशु इंडस्ट्रीज का लाइसेंस मिला हुआ है, परंतु आशु इंडस्ट्रीज में एक्टिव पक्का मोती, आदित्य गोल्ड, मधुर रुचि, ट्यूलिप गोल्ड, शक्ति, उड़ान, गणपति सनफ्लावर ऑयल, इंदौर फर्स्ट ग्रेड सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, फॉर्च्यून आदि अनेक ब्रांड के नाम से पैकेजिंग के प्रमाण मिले हैं। यहां किसी प्रकार का कोई लाइसेंस या अन्य दस्तावेज नहीं मिला है और ना ही कोई लेखा जोखा मिला है। आशु इंडस्ट्रीज के मालिक मौके पर नहीं मिले, निरीक्षण में मिस ब्रांडिंग का गंभीर मामला मिला। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के क्या हाल है, इसका अंदाजा एक हेडमास्टर की करतूत से लगाया जा सकता है। शराब के नशे में धुत रहने वाले ये हेडमास्टर कभी स्कूल में तो कभी सड़क पर शराब के नशे में पड़े नजर आते हैं। शराब के नशे में सड़क पर खड़ा यह टल्ली शख्स एक स्कूल का हेडमास्टर है। जशपुर नगर के सिरिम केला पंचायत के फरसा स्कूल के हेडमास्टर का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शराब का नशा इतना ज्यादा था कि मदहोश हेडमास्टर बारिश में सड़क पर ही पड़ा रहा। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग उन्हें देखते रहे। शराब का नशा इस कदर था कि सर को बरसात भी पता नहीं चली। जब गांव वालों की नजर इन पर पड़ी और मोबाइल से फोटो वीडियो बनने लगे तो साहब को हल्का सा होश आ गया। ग्रामीण स्कूल पहुंचे तो वहां उपस्थित मैडम ने बताया कि प्रधान पाठक सर सुबह से ही पीकर आए थे और कुछ ही देर में चले गए। इनका यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ये ऐसा अक्सर करते रहे हैं। कभी टल्ली होकर स्कूल में पड़े रहते हैं तो कभी सड़क पर। अधिकारी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इस घटना के बाद ग्रामीण गुस्से में हैं। उनका कहना है कि गुरु अगर इस हालत में है तो स्कूली बच्चों के भविष्य का क्या होगा। भारतीय सिंधु सभा ने पाकिस्तान में हिंदुओं के जबरिया धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है और इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का निर्णय किया है। सभा ने लव जिहाद के मसले पर कड़े कदम उठाए जाने पर भी जोर दिया है। भारतीय सिंधु सभा का राष्ट्रीय चिंतन शिविर भोपाल में हुआ। शिविर में पाकिस्तान में हो रहे जबरन धर्मांतरण और देश भर में हो रहे धर्मांतरण व लव जिहाद के विरोध में जिलाधीशों के माध्यम से राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ज्ञापन भेजकर इसे रोकने की मांग की जाएगी। सभा के शिविर में तय किया गया कि मजबूरन इन मामलों को लेकर देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा व पाकिस्तान दूतावास पर प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय सिंधु सभा का जो हमारा सिंधी समाज है, जो हमारा भारत में सिंधी समाज रहता है, अपनी भाषा अपनी मूल संस्कृति से जुड़ा रहे और कुरीतियों से बचता रहे। इस बार विशेष चिंतन बैठक हुई है कि और हम समाज को ज़्यादा क्या दे सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2 दिन तक पूर्णतः 100% 5% लोग यहाँ वहाँ चाय वाय पीने के लिए निकल जाते थे। शांति से वक्ताओं को सुना, आत्मसात किया
और यहाँ से कुछ ना कुछ वो संस्कार लेके जा रहे हैं। कितना किया है, कितना हम आगे बढ़े हैं, इस पर चिंतन हो रहा है, गहरा चिंतन हो रहा है। पूरे देश के सिंधी समाज के लिए एक आशा की किरण भारतीय सिंधु सभा है और इसलिए हमने कुछ कार्यक्रम तय किए। हमने सदस्यता अभियान शुरू करने का निर्णय किया है। 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 3 महीने तक हमारा सदस्यता अभियान होगा। 1 लाख नवीन सदस्य बनाने का लक्ष्य है कि सिंधी समाज बैठ करके अब अपनी समस्याओं पर गहराई से चिंतन करने लगाए और उसके सफल परिणाम मुझे लगता है आने वाले वक्त में आएंगे। अब बात आज के वीडियो वायरल की। IIT मुंबई के क्लासरूम में लेक्चर के दौरान एक गाय घुस गई। 5 मिनट तक गाय क्लासरूम में घूमती रही, इसे बामुश्किल बाहर निकाला जा सका। छात्रों ने इसका वीडियो वायरल कर IIT के सिस्टम की पोल खोल दी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक IIT बॉम्बे इन दिनों गाय की वजह से सुर्खियों में है। यहाँ लेक्चर के दौरान क्लास में गाय घुस गई। अचानक गाय को क्लास में देखकर स्टूडेंट्स और टीचर अवाक रह गए। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने गाय को क्लास और फिर कैंपस से बाहर निकाला। करीब 5 मिनट तक गाय क्लास में टहलती रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रों ने आरोप लगाया कि कैंपस में आवारा मवेशी घूमते रहते हैं। कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी कॉलेज प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। छात्रों ने बताया कि हाल ही में 2 सांडों ने कैंपस के मेन गेट पर एक छात्र अक्षय पाल पर हमला कर दिया था। इस हमले में छात्र को बैकबोन में चोट आई थी। आज भी वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। छात्रों का कहना है कि आवारा पशुओं को लेकर पिछले 1 महीने में यह 3री घटना है जब स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को एक बैल लॉबी में देखा गया तो गाय क्लासरूम में घुस गई। IIT बॉम्बे के निदेशक ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी से कहा कि वे जानवरों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए 3 गार्ड तैनात रखें। छात्रों का आरोप है कि ऐसा कई बार हो चुका है लेकिन कॉलेज प्रशासन इस विषय में कोई भी संज्ञान नहीं लेता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।